हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग सीमेंट 2020 के सॉल्यूशंस देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट, इसमें हम लोग पूरे क्वांट के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से 25। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। और आपको इस वीडियो में मैं चीज़ बताऊँगा, खासतौर से जब DI के क्वेश्चन आएंगे, कि आप अप्रॉक्सीमेट कैसे आंसर लगाओगे, है ना, क्योंकि कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं। तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को भी ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। और जिन लोगों को भी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं हमारे वीडियोस में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, या मैं उसका नाम बता देता हूँ, CAT IPMAT, है ना, बिना स्पेस के आप CAT IPMAT टाइप करना टेलीग्राम पे, है ना, हमारा चैनल ज्वाइन करना। उसमें एक PDF मिलेगी, उसमें आपको CAT, ZAT, IFT, CMAT, IPMAT सबके, है ना, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो वीडियो का नेम, उसकी ड्यूरेशन और लिंक आगे दी हुई है, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, सीधे एक क्लिक करोगे वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर अभी तक आपने सीमेंट 300 परचेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक उसके रहे थे और इस बार भी जितने लोग देख चुके हैं बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज का चालू करते हैं। 13th question, अ सिटी हैज़ एन एवरेज डिमांड ऑफ वाटर 33,000 liters, एवरेज लिखा हुआ, ध्यान देना, है ना, इट्स लास्ट फॉर 50 days। देखो 33,000 आपका जो है वो 50, यानी टोटल कितना रिक्वायरमेंट है, वन लैख 65,000, ठीक है, इतना कर लेते प्लस। बट इफ सम पीपल एंटर द सिटी, अब कुछ लोग आ गए तो डिमांड है ना 37,000 liter हो गई एवरेज में, है ना। अब 35 days तक चलाइए तो 37,000 इंटू में क्या कर देता हूँ 35, है ना, कैलकुलेशन तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, है ना, 37 × 35 कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, गिवन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच मिनिमम वाटर शुड बी यूज्ड डेली सो दैट इट कुड लास्ट 50 days, है ना। 35 days तक हो चुके, अभी 15 days बचे हुए मेरे पास, और इसमें से माइनस क्या कर दूं, 129,500, है ना, 10 इसमें और आएगा, ठीक, कर दूं, क्या आया 355,000। अगर इसको 15 days चलाना है तो डिवाइडेड बाय 15 कर दो तो पर डे का पता चल जाएगा, पहले 5 से कैंसिल कर दो, 71,000 और सॉल्व कर लो, 23666.66 ऑप्शन बी में दिख रहा है। आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। देखो आउट ऑफ 25 question, 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 question ऐसे रहेंगे जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सब क्वेश्चन आसानी रहेंगे। कुछ क्वेश्चन तो भी आगे देखना ओरल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब जैसे 14th ही आ गया, ओरल का नाम लिया, ओरल आ गया। देखो LCM SCF दिया हुआ है 84 और 21, ठीक है, रेशो दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ हम जानते हैं, रेशो हमेशा कैंसिल आउट करके ही लिखते हैं, लेकिन कभी आपने शायद ध्यान ना दिया हो, जो कैंसिल करते हैं वही तो SCF होता है, और SCF क्या दिया हुआ है 21, यानी नंबर क्या होंगे 1 × 21 और 4 × 21, देखो कितना आसान था, 21 दोनों नंबर 21 और 84 हो गए, ये LCM की जरूरत ही नहीं थी, लार्जर नंबर पूछा 84, देखो कितनी आसानी से बता दिया। ये क्वेश्चन आप ओरल भी कर सकते थे, है ना, CMAT में 50% अप्रॉक्स क्वेश्चन ओरल आएंगे क्वांट में, ठीक है, तो ध्यान से करते जाना। अब 15th question, 25,000 आपने बोरो की है CI पे, है ना, तो 25,000 इंटू, बस कैलकुलेशन, 3% का इंटरेस्ट लगा फर्स्ट ईयर पे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल बाद, 1+3/100, यानी 103/100 इंटू, फिर 4%, यानी 104/100, फिर उस CI है तो इसी तरीके से होगा क्योंकि अमाउंट चेंज होते आएगा बार बार, प्रिंसिपल चेंज होते आएगा, फिर 5, यानी 105/100,
ये अमाउंट पे करना रहेगा, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पहले अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। अब 25 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान रहेगा। है ना, 104 × 25। या एक काम करो ना, प्रोडक्ट भी क्यों करना है, और थोड़ा आसान अगर इसको बनाए तो 25 4 से ये, ठीक है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं, 26/10। अभी भी 10 है तो पहले 2 से कैंसिल करो, इधर 13 आ गया, 20। अब फाइनली क्या आ गया, 103। अब ट्रिक देखना, × 13 × 21। अब अगर यूनिट डिजिट की बात करूं तो 3 1 3 3 9, एक ही में दिख रहा है 9, ऑप्शन बी लगा दो। अब अगर आप एग्जाम में इसको सॉल्व करने बैठ गए, जिसका कि कोई सेंस नहीं है, तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आपका आ चुका है तो, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें मेरी याद रखना। हाँ, अभी तो अपन वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 103 इंटू, इसको सॉल्व करें, 273। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे देखो 273 00 100 प्लस 3 कर दो तो 819 इसमें और ऐड कर दो, 28119। देखो यही था, ठीक है। तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, है ना, और इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई ब्रांड ज्वाइन किया होगा लास्ट ईयर तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ड्रॉप लेके अगले साल फिर से कैट या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा वीडियो कोर्स जरूर लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और आप हमारे कमेंट या प्रीवियस वीडियो देखना, आपको फीडबैक पता चल जाएंगे, ठीक है। 16th, टॉम की सैलरी 150% है जॉन की सैलरी के, यानी जॉन की सैलरी का 150% मतलब 3/2, 150/100 करेंगे 3/2 आएगा, ये किसकी सैलरी होगी, टॉम की। यहाँ से जे अपॉन टी लिख सकता हूँ मैं, 2/3, है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जे और टी का रेशियो जो है वो 2:3। अब जॉन की सैलरी 80% है स्टीव की सैलरी के, तो स्टीव की सैलरी का 80% मीन्स 4/5 इज इक्वल टू किसकी सैलरी है, जॉन की। तो अब जे और एस का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5, है ना, दो रेशियो है, मिला के लिख दो। तो जे टी एस लिखना चाहें अगर हम, जे टी और एस, जे टी एस, जे दोनों में कॉमन है, 2 और 4 का एलसीएम 4 लिख दो, तो देखो 2 2 4, तो 3 2 क्या आ जाएगा, 6, और ये तो 4 था तो एस 5 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्टीव टू जॉन, स्टीव और जॉन, स्टीव है 5, जॉन है 4, स्टीव और टॉम पूछा है, सॉरी, तो स्टीव है 5, टॉम है 6, 5:6, ऑप्शन डी, है ना, ये लाइन ढंग से पढ़ लेते, तो स्टीव कितना था 5, टॉम कितना है 6, 5:6, जल्दबाजी में 6-5 मत लगा देना। 17th क्वेश्चन, ये वीडियो कोर्स में डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ है, कई लोग अब इसको पहले 100 मानेंगे फिर डिस्काउंट देंगे, और मैंने क्या फार्मूला बताया था, ए बी वाला, क्या होता है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100, डायरेक्ट लगाओगे आंसर आ जाएगा, डिस्काउंट है तो -8 -12 माइनस, दोनों डिस्काउंट है तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 12 8 96 बाय 100 यानी 0.96, तो -20 प्लस 0.96 यानी 19.04 आ जाएगा माइनस में, माइनस का मतलब है डिस्काउंट हो रहा है, ऑप्शन सी लगा दोगे। फॉर्मूला पता था तो जल्दी कर लोगे, नहीं पता था तो इसमें भी आप टाइम लगाओगे, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना ऊपर जो लिखा था। 18th सिंपल फॉर्मूला है, इन हाउ मेनी वेज कमिटी कंसिस्टिंग 5 men 6 women, है ना, 8 men, 8 में से 5 men लेने हैं, 8C5 और 10 women से हमें 6 women सेलेक्ट करनी है, ये आंसर हो जाएगा। NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो इसमें लगाओ, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3
इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दो अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। थर्ड डिटेल में करके बता रहा हूँ 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल लिख दो अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इतना डिटेल में सॉल्व करता नहीं हूँ, वैसे में 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो क्या बचा, 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 इंटू 10 9 8 7 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, वैल्यू पता हो, लेकिन ऐसे कर लो ताकि आपको कैलकुलेशन में आसान हो। 6 से 6 को कैंसिल करो, 4 2 8 से इस 8 को कैंसिल करो, 3 3 9 कर दो, तो 7 3 ये 2 1 0 आ गया ये, और 8 7 56 है ना। सॉल्व कर लो, है ना, 0 आ गया, जल्दी जल्दी कर लो। कैलकुलेशन सही की है, तो सही रही, डी ऑप्शन 1176 0। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे आप ऑप्शन में मिला है तो सही होगी। विच ऑफ द, देखो अब एक और ओरल क्वेश्चन आ गया, ट्रायंगल की साइड, ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 3 साइड्स हैं ए बी सी, नहीं पता हो तो आप लिख लेना, तो 2 साइड के डिफरेंस से थर्ड साइड हमेशा बड़ी होगी और 2 साइड के समीशन से हमेशा छोटी होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो 7 + 5 = 12 इक्वल नहीं हो सकती, यानी ए तो ट्रायंगल हो नहीं सकता, यूज कैन बी यूज लिखा है। अब देखो 12 9 से बड़ा है, ठीक है ये हो सकता है ना, दो साइड का समीशन थर्ड साइड से बड़ा, ठीक है ये हो सकता है। इसमें तो देखो 9 + 7 = 16, ये 17 से कम हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 4 + 2 = 6, थर्ड साइड 6 से बड़ी, ये भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन है। देखो दो साइड अगर ये मान ले छोटी वाली, तो जो 7 - 5 करोगे 2, 9 देखो 2 से बड़ा है और 7 + 5 = 12 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये ट्राइंगल होगा। ठीक है, अगर आपको पॉइंट्स पता थे तो ये क्वेश्चन आप ओरल कर लेते। क्वेश्चन नंबर 20, देयर 6 टीचर्स हैं, 2 फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 2 केमिस्ट्री एंड 2 मैथमेटिक्स, एक रो में ये खड़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के हमेशा सेट में होंगे, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन डू दिस। ठीक है, देखो फिजिक्स के 2 हमेशा साथ में रखने हैं अपन, केमिस्ट्री के दोनों साथ में होने चाहिए और मैथ्स के साथ में, लेकिन ये 3 तो आपस में शफल हो सकते हैं, है ना, डायग्राम बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। इसके कितने वेज होंगे, फैक्टोरियल 3। अच्छा P1 P2 को आपस में अरेंज कर सकता हूँ 2 वेज, C1 C2 को 2 वेज से और M1 M2 को 2 वेज से, बस आंसर। फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 6 × 2 = 12 × 2 = 24 × 2 = 48 आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ये भी आसान था, है ना, तो कितने आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने सीमेट 300 में भी समझाए हुए, है ना, और लास्ट ईयर भी समझाए थे, और इस टाइप के क्वेश्चन काफी रिपीट हुए। द वर्क डन बाय मैन, देखो जो वर्क डन होता है उसी, यानी वो एफिशिएंसी हो गई, और एफिशिएंसी के हिसाब से रुपए मिलते हैं, तो वर्क डन का रेशियो क्या है, 3:1, यानी एक आदमी को हम लोग 3x रुपीज अगर देंगे तो एक वुमन को हम कितने देंगे 2x, और एक चाइल्ड को हम देंगे x। ठीक है, नॉर्मली टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन देख लेना आप, कोई भी बुक करना, ये डिस्क्रिमिनेशन करते ही हैं, जिसको समझना होगा समझ गया होगा। खैर, डेली वेजेस 20 मैन 30 वुमन, यानी 20 मैन का डेली वेजेस क्या हो जाएगा, 20 × 3x = 60x, फिर 30 वुमन का 30 × 2 = 60x, और चाइल्ड का 36 × x, यानी 36x, टोटल कितना हो गया 156x, जो कि हमें दिया हुआ है 78 रुपीज़। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1/2,
72 से 157 में आ रहा होगा, यानी यहां तक लिख लिया। अब इसको मैं हटा रहा हूं, x 1 बाय 2 आ गया। x अगर 1 बाय 2 आ गया है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक आदमी को आप 1.5 रुपए दे रहे हो, वुमन को 1 रुपीस और चाइल्ड को 50 पैसा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। व्हाट विल द वेजेस ऑफ 15 मैन, 15 मैन मतलब 15 थ्री सा 45x, 21 वुमन, 21 टू सा 42x, और 30 चिल्ड्रन, 30 मतलब 30x। टोटल आपने कितने दिए, 117x। ठीक है, ये डेली वेजेस था, है ना। इन्होंने क्या पूछा है, 18 वीक्स का, तो एक वीक का क्या हो जाएगा इंटू 7, और 18 वीक्स का क्या हो जाएगा इंटू 18। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 117 इंटू एक्स की जगह मैं 1/2 लिख देता हूँ, इंटू 7 इंटू 18। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे वन आना चाहिए, 9981 एक ही में दिख रहा है, टी लगा दो। लेकिन हाँ, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए मेरी छोटी छोटी सी ट्रिक याद रखना, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। सेवन थ्री सेवन वन ऑप्शन डी, क्लियर। ठीक है, डी आई का क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन सिक्स डिफरेंट ईयर्स, फाइव डिफरेंट स्कूल्स डेटा ये दिया हुआ है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल डी, 2017 में बॉयज का डिक्रीज पूछ रहा है प्रीवियस ईयर से। तो 17 में कौन से स्कूल था, डी, डी में बॉयज कितने 17, 5.3 और ये 6.4 थे, है ना। कितना डिक्रीज हो गया, 1.1 डिक्रीज हो गया। कंपेयर के लिए हम प्रीवियस ईयर का डेटा लेंगे, 6.4 × 100, तो 11/64। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11/64 × 100। अब देखना ओरल करना हो अगर तो 66, अगर इसको कर दूं तो 1/6 होगा, 1/6 16.66 होता है, है ना। तो डिनोमिनेटर बढ़ाया है मैंने, है ना, 1/6 किया। अच्छा, इन्होंने भी अप्रोक्सीमेट इंटीजर में ही लिखे, तो 16.66 अप्रोक्सीमेटली 17 के होगा, ऑप्शन बी लगा, है ना। ठीक है, 16.66 से ज़्यादा ही आना है तो 17, चीज़न में आ गई। ऐसे अप्रोक्सीमेशन से किया जाता है, और ध्यान रखना 1 से लेके 20 तक मिनिमम रेसिप्रोकल आपको याद होने चाहिए। रेसिप्रोकल मीन्स 1/1, 1/2, 1/3, इनकी परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए अप टू 1/20 तक मिनिमम। मुझे तो 30 तक याद है, कई लोगों को 50 तक भी याद होता है, तो अपन, मेरे को 50 तक याद नहीं है, लेकिन हाँ 20 तक तो मिनिमम याद होना चाहिए, है ना, अगर कैलकुलेटर किसी एग्जाम में नहीं है तो। अगला 23rd, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, 18 में स्कूल बी में गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चलो इसे मार्क कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बोला 18 में जो गर्ल्स हैं स्कूल बी में, यानी 5.9, इसे मार्क कर देता हूँ, कितना परसेंट है टोटल स्टूडेंट्स स्कूल ई में, 15 में ई में टोटल स्टूडेंट्स, इसका कितना परसेंट, इन दोनों को ऐड कर दो, 9.1 आएगा, है ना, 5.5+3.6 ये क्या आएगा, 9.1। इसका कितना परसेंट वो बोल रहे हैं स्कूल बी में गर्ल्स 18 में है, यानी 5.9। एक्स क्या आ जाएगा, 59/91 × 100। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दो, 59/91 अप्रॉक्स पूछा है। अब यही देखो, इसको 60 अगर कर दूँ और इसको 90 कर दूँ, 2/3 आएगा, 2/3 यानी 66% होता है, यानी आसपास उसके कौन सा दिख रहा है, 65, इन्हें ऑप्शन सी लगा दो। इस तरीके से किया करो, तो आप जल्दी जल्दी ऑप्शन जब दूर दूर हो, क्लोज होंगे तो फिर पूरा सॉल्व करूँगा। ठीक है, 24, एवरेज गर्ल्स स्कूल ए में पूछा है, स्कूल ए में एवरेज गर्ल्स, ठीक है, ये तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, इसको तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा।
एवरेज गर्ल्स, गर्ल्स मतलब ये वाला डेटा ऐड करो, है ना। वन पॉइंट सिक्स आ रहा है, फिर भी देख लेता हूँ। सही, अपॉन एट पॉइंट सिक्स इंटू हंड्रेड कर देंगे, क्योंकि इन हंड्रेड्स लिखा हुआ था, 860 आ जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल था ये भी, ठीक है। कैलकुलेशन है, सीमेट के बता रहा हूँ, डी आई वी सब बहुत इजी आती है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं इसमें। 25th, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। स्कूल सी में 2018 में नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है, 18 में स्कूल सी में नंबर ऑफ बॉयज 8.7 टू द नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल ए में, 18 में गर्ल्स स्कूल ए में, 18 में गर्ल्स ए में 12, 9। इसमें बस डेटा ही देखना है, पॉइंट हटा दो, ठीक है। थ्री से तो कैंसिल हो ही रहा, पहले थ्री से कर देते हैं। 29 ऊपर आएगा बहुत सारे ऑप्शन में, ए या बी होगा। 43 ऑप्शन ए, 29:43। सिंपल था, ठीक है। तो उम्मीद है कि पूरे के पूरे आपको सीमेंट के पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, ठीक है। और आपकी जिम्मेदारी है हमारे चैनल को भी ब्रांड बनाने की, तो उस बारे में भी थोड़ा काम करो, हम लोग तो काफ़ी मेहनत कर ही रहे हैं, थोड़ी सी आप भी कर लो, ठीक है। तो थैंक यू।